Hi friends, I am Gaurav Chaudhary and today we will be discuss about the EMF versus potential difference. Versus का मतलब दो चीजों के बीच की बात हो रही है, electromotive force और potential difference के बीच का आज difference जानेंगे. वैसे तो last lecture में मैंने आपको बताया था कि जो EMF होता है हमारा, electromotive force, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज एक ही चीज होती है, लेकिन समझने के लिए जब किसी बैटरी या सेल की बात होगी तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इनके मीनिंग में डिफरेंस हो जाता है, लेकिन चीज एक ही होती है. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस पीडी. ईएमएफ वर्सेस पीडी क्या होते हैं, EMF वर्सेस PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे में डीपली तरीके से. क्या है हमारी बैटरी और ये क्या है हमारा सेल. सेल के भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव. कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल इज नोन एज बैटरी या सेल. मतलब प्रत्येक सेल या बैटरी के दो टर्मिनल होंगे, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा. जब तक ये बैटरी फुल चार्ज तो है, ये बैटरी क्या है 100% चार्ज है और ये सेल भी 100% चार्ज है, लेकिन इसके दो पॉइंट आते हैं, एक आता है ईएमएफ और दूसरा आता है पोटेंशियल डिफरेंस पीडी. पहला ईएमएफ और दूसरा पीडी. तो जब भी हम किसी बैटरी की बात करें तो उसके अंदर जो वोल्टेज होता है उसको बोलता है ईएमएफ. ईएमएफ मान लीजिए इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट है. जब तक इस बैटरी पे कोई एक्सटर्नल लोड ना लगाया जाए, मतलब कोई रेसिस्टिव लोड ना लगाया जाए, तो इसका जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर रहेगा. तो फिलहाल इसका जो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, बराबर. मतलब ईएमएफ जो है वो भी 5 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस भी 5 वोल्ट है. इस सेल की बात करें, मान लीजिए इसका ईएमएफ कितना है, दिया हुआ होता है 1 वोल्ट है, तो इसका ईएमएफ भी 1 वोल्ट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट होगा. ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के तरीके से बताया है. अब बात करते हैं हम डेफिनेशन पे, डेफिनेशन क्या कहती है इस चीज की. देखिए अब डेफिनेशन लिखेंगे तो डेफिनेशन क्या कहेगी, व्हेन आ सेल और बैटरी, सेल और बैटरी या जनरेटर, भाई तीनों चीजों की एक ही मीनिंग है ना, या सोलर सेल, सोलर सेल मान लीजिए जहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है जिस भी सोर्स से, उसको क्या बोला जाता है, सोर्स. उसी की बात हो रही है, चाहे वो सोलर सेल हो, चाहे डीसी जनरेटर हो, एसी जनरेटर हो, चाहे सेल हो, चाहे बैटरी हो, ये जो मैं समझा रहा हूँ वो सभी के लिए समान है. ठीक है, तो व्हेन अ सेल और बैटरी, डीसी जनरेटर है, सोलर सेल डिलीवर्स, डिलीवरिंग, डिलीवरिंग मतलब देना, डिलीवरिंग नो एनी करंट, नो एनी करंट, देन क्या होगा, देन द पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स टू ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव्स ऑफ दैट बैटरी और सेल. कहने का मतलब आप क्या समझे, जो मैंने इस फिगर में बताया था कि इस बैटरी के अंदर की अगर वोल्टेज की बात करें, आंतरिक वोल्टेज की, मतलब जनरेटर है या बैटरी है, उसके जो अंदर वोल्टेज तैयार होता है, डेवलप्ड होता है, उसको बोलते हैं ईएमएफ. मान लीजिए इस बैटरी के अंदर 5 वोल्ट ईएमएफ है, जब तक इस पर कोई लोड ना लगाया जाए, एक्सटर्नल लोड, तो करंट डिलीवर नहीं करता है. जब तक इस पर कोई बल्ब ना लगेगा, बल्ब वगैरह नहीं लगेगा, तो ये बैटरी भाई जब सर्किट ही कनेक्टेड नहीं है तो करंट कैसे डिलीवर करेगी, करंट तो पास होगा ही नहीं. जब करंट पास नहीं होगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ के बराबर बना रहेगा. मतलब कि वोल्टेज जो इसका, इसकी क्षमता है वोल्टेज देने की, वोल्टेज में कोई भी गिरावट नहीं आएगी. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसको नोट डाउन करिए, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है
EMF EMF of a battery or a cell, EMF of a battery or a cell or generator, किसी भी बैटरी का, जनरेटर का या सेल का जो EMF होता है, is always constant. क्या होता है? Constant. And potential difference of any सोर्स क्या कहलाएंगे? सोर्स मतलब सेल को कह सकते हैं सोर्स, बैटरी को कह सकते हैं सोर्स, जनरेटर को कह सकते हैं. ये क्या है सोर्स? ये बैटरी, सेल और जनरेटर क्या है? सोर्स. सोर्स मतलब जिस चीज से हमें वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा हो, पाया जा रहा हो, वो कहलाएगा सोर्स. और जिसमें यूज हो रहा हो क्या कहलाएगा? लोड. सोर्स when potential difference of any source is never constant. कैसे समझेंगे आप constant क्यों नहीं होता है किसी भी source का potential difference, जबकि इसका EMF तो हमेशा constant रहता है? मैं अब आपको समझाता हूँ. मान लीजिए कोई भी हमने market से एक battery खरीदी, उस पर लिखा हुआ है इसकी क्षमता है 100 volt दे. तो भाई 100 volt क्या है इसका? EMF, electromotive फोर्स. मतलब ये 100 volt दे सकती है, इसके अंदर क्षमता है. मान लीजिए मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि इस डस्टर को उठा सकता हूं, तो मेरा क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. लेकिन जब मैं लगातार इस कार्य को करता रहूंगा इस तरीके से, तो कुछ समय बाद, एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, मेरा पोटेंशियल गिरने लगेगा. मेरा पोटेंशियल क्या है? गिरने लगेगा, मेरी क्षमता घटने लगेगी. उसी को क्या बोलते हैं? ड्रॉप इन पोटेंशियल. पोटेंशियल में ड्रॉप आना ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. तो स्टार्टिंग में जब हमने लोड नहीं लगाया किसी भी बैटरी पे या किसी भी सोर्स पे, तो उसका जो ईएमएफ होता है और पोटेंशियल होता है, वो दोनों इक्वल होते हैं. और जैसे ही लोड कनेक्ट करते हैं किसी भी बैटरी या सेल पे, तो उसमें क्या होता है? डिलीवरिंग होता है करंट. और करंट के डिलीवरिंग होने से उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ से कम होता चला जाता है. तो अब उसी डेफिनेशन को आगे बढ़ के लिखेंगे. इसको नोट डाउन करिए. हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? When a cell or battery, सेल की बात करो चाहे बैटरी की बात करो, when a cell or a battery is delivering current to the load. कैसा मतलब? लोड की जगह फैन लगा सकते हो आप, बल्ब लगा सकते हो लोड में, कुछ भी लगा सकते हो, ETC, फैन, बल्ब, कुछ भी हो, हीटर हो, प्रेस हो, कुछ भी हो, लोड लगा सकते हैं बैटरी. When a cell or battery delivering current to the load, then potential difference across the terminal of the battery is less than EMF of that battery. क्या बोल दिया इस डेफिनेशन ने? ये डेफिनेशन बोल रही है कि जब कभी भी लोड लग जाता है, एक्सटर्नल लोड किसी भी बैटरी या सेल पे, तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमें कम होता चला जाता है उसके ईएमएफ से. जो ईएमएफ होता है वो तो हमेशा कांस्टेंट है, ना घटेगा ना बढ़ेगा. ये क्या है? हमेशा कांस्टेंट. ये क्या बना रहेगा? हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा. लेकिन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी क्षमता है, कुछ समय बाद, एक घंटे बाद, दो घंटे बाद, वो गिरने लगेगी. तो जैसे ही लोड अप्लाइड होता है किसी भी सेल पे, उसका ईएमएफ तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस घटता चला जाता है. इसीलिए जब लोड लग जाता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है किससे?
ईएमएफ से इसी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी सेल या बैटरी का ईएमएफ कब बड़ा हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस से, जब उस पर लोड अप्लाइड होता है। व्हेन अ सेल हैज नो लोड देन ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारा पॉइंट यही था। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले पे बात कर लेते हैं। फॉर्मूला, ये जो बैटरी है ये क्या है, एक बैटरी, इसका नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल। अभी इस पर लोड नहीं है तो इसका ईएमएफ क्या है, इसका जो ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। मान लीजिए ये भी 5 वोल्ट है और ये भी 5 वोल्ट है, दोनों बराबर हैं। जैसे ही लोड अप्लाइड होता है इस बैटरी पे, ये बैटरी है, वही बैटरी वही ली, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, अब इस पर क्या लगा दिया लोड, दो तार खींचे यानी दो वायर खींचे, इसमें से दो वायर खींचे और इस पर क्या लगा दिया हमने लोड, यानी कि एक बल्ब लगा दिया। अब बल्ब क्या करेगा, जलेगा ना, ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, तो इसमें करंट फ्लो होगा, बैटरी के द्वारा करंट फ्लो कराया जाएगा, बैटरी के द्वारा करंट फ्लो होगा तो करंट कौन सी दिशा में चलेगा, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब करंट इस तरीके से ऐसे ऐसे फ्लो होके इस टर्मिनल पे पहुंचेगा, तो करंट के फ्लो होने से बैटरी में क्या आ जाएगा, कुछ ड्रॉप, उसी को बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट। इस बैटरी में कुछ ड्रॉप आएगा और इसका पोटेंशियल गिरने लगेगा ड्रॉप के आने से। मान लीजिए 5 वोल्ट क्या था इसका ईएमएफ इस बैटरी का, और जैसे ही बल्ब जलता जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस गिरने लगेगा, पहले 5 वोल्ट, फिर 4 वोल्ट होगा, फिर 3 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा और लास्ट में 0 वोल्ट तक गिर जाएगा। यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, जब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट हो जाएगा तो इस बैटरी का ईएमएफ कितना होगा, ईएमएफ तब भी 5 वोल्ट ही रहेगा। भाई किसी की क्षमता है, अब मान लीजिए ग्रेट खली है, ग्रेट खली की क्षमता है किसी पहलवान को हराने की, तो क्षमता तो क्षमता ही रहेगी ना, चाहे वो थक जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन उसकी क्षमता तो क्षमता ही रहेगी, उसका ईएमएफ तो ईएमएफ ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। अब लास्ट में उसका पोटेंशियल ही तो गिरा है, ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए गिर गया, चार्जिंग कर देंगे दोबारा से उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, पोटेंशियल घटता बढ़ता है, ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है जी, किसी भी सेल और बैटरी का। अभी पढ़ने का तरीका है किसी चीज को, वैसे तो अगर जब आप डीपली समझ जाएंगे ये सब चीज एक ही है, बस समझने का तरीका है। अब इसके फॉर्मूले पे आते हैं, फॉर्मूला क्या होता है इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद इसका फॉर्मूला समझेंगे। डेफिनेशन क्या, व्हेन अ सेल और बैटरी डिलीवरिंग करंट टू द लोड, लोड क्या हो सकते हैं फैन और बल्ब, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, टर्मिनल मतलब ये जो इसकी वो होती है बैटरी के टर्मिनल की बात कर रहे हैं, इज लेस देन ईएमएफ। अब करेंगे फॉर्मूले पे बात, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला लिखेंगे, व्हेन अ सेल इज डिलीवरिंग, व्हेन अ सेल इज डिलीवरिंग करंट, करंट टू द लोड, करंट टू द लोड, देन अ वोल्टेज ड्रॉप, क्या आएगा, वोल्टेज में ड्रॉप आएगा, वही तो डेफिनेशन में लिखना है, वोल्टेज ड्रॉप कम्स अक्रॉस द एक्सटर्नल और इंटरनल रेसिस्टेंसेस, एक्सटर्नल इंटरनल रेसिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट। मतलब जो सर्किट बनाया हमने बैटरी का, क्या सर्किट बनाया, ये सर्किट बनाया, अब इसका इंटरनल और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या, डेफिनेशन क्या बोल रही है, व्हेन अ सेल इज डिलीवरिंग, डिलीवरिंग में सिर्फ दे रहा है, डिलीवरिंग करंट टू द लोड, लोड मतलब बल्ब, लोड क्या हो सकते हैं, लोड क्या हो सकते हैं, बल्ब हो सकता है, आपका फैन हो सकता है, हीटर हो सकता है, मतलब जो भी आपके घर में यूज किया जाता है वो सब क्या है, लोड। और सोर्स में क्या आएगा, सोर्स में बैटरी आ जाएगी आपकी, मतलब जिस सेल, जनरेटर, सोलर सेल, ये क्या है आपके सोलर सेल, ये सभी क्या है सोर्स, और ये जिसमें यूज होता है वो क्या कहलाते हैं, लोड। लोड तो अब ये जो है इस
इस सर्किट के अंदर ये जो एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल लोड इसी की बात कर रहा है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो इस लोड का जो रेसिस्टेंस होगा, भाई लोड है तो उसके अंदर प्रतिरोध तो होगा ना, तो उसका रेसिस्टेंस प्लस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यानी तेजाब वगैरह या केमिकल वगैरह भरा है और जो पत्ती लगी है बैटरी के अंदर, उनका भी अपना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस रहता है। इसीलिए हमेशा जब भी बैटरी की बात करेंगे या सोर्स लोड की बात करेंगे, एक होता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक होता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमेशा याद रखना है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस किसको दर्शाता है? लोड को। इसका सिंबल क्या होता है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का? आर। और दूसरा होता है इंटरनल, इंटरनल रेसिस्टेंस। और इंटरनल रेसिस्टेंस किस चीज को दर्शाता है? सोर्स को, मतलब बैटरी वगैरह को दर्शाता है। तो दोनों चीज का रेसिस्टेंस होता है ना, इसका रेसिस्टेंस होता है स्मॉल आर। और जब इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला रियलिटी में क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। जब करंट डिलीवरिंग हो रहा है तो भैया करंट, करंट ही तो डिलीवर होता है, तो करंट का फॉर्मूला लिखिए ना, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। लेकिन इकला आर तो है नहीं, साथ में इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, तो यहाँ ये स्मॉल वाला आर भी ऐड हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसको आई अपॉन वी आर लिखिए, कभी कभी वी ना हो के यहाँ ई भी लिख के आएगा, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। अब इसको मैंने ई कर दिया है, वी लिख दोगे तब भी चलेगा, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर। मैंने क्या बोला, ई और वी एक ही चीज होते हैं, ई और वी एक ही चीज होते हैं, ठीक है। I इक्वल टू ई अपॉन आर, ई क्या है EMF और पी क्या, वी क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तब इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे इस तरीके से, तो यहां से क्या आ जाएगा, I इंटू आर प्लस आई इंटू आर प्लस इक्वल टू जीरो। जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, I इक्वल टू वी इक्वल टू आई आर होता है ना, वी इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो इस आई आर को मैं वी लिख दूं तो चलेगा? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, आई आर को वी लिख सकते हैं। लेकिन आप बोलेंगे ये वाला भी तो आई आर है, इसको भी वी लिखिए। भाई इसको इसलिए नहीं लिखेंगे, जब भी कोई फॉर्मूला बनाना होता है तो ट्रिक्स लगाई जाती हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। और हमें किस चीज़ का फॉर्मूला चाहिए, अब इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको प्लस आई आर, आर से इंटरनल रेसिस्टेंस, तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे। तो फाइनली इसका फॉर्मूला क्या आएगा, अब इसको रफ करता हूँ मैं, इसको नोट डाउन करिए आप, इसका फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ से बन के, मैं समझाऊंगा। अभी फिलहाल मैं सिर्फ सर्किट बता रहा हूँ, इसके बाद मैं समझाऊंगा ये कैसे कैसे कहाँ से आया। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्मॉल आर इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन आई, इतना आ गया। अब आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, आई इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन आर। जब इसमें पुट करोगे तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन और V अपॉन R। अगर इस R को मैं यहाँ से हटा के साइड में ले जाऊँ, ऊपर ले जाऊँ, तो यहाँ आ जाएगा R। और ये ही क्या होता है, रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला, इंटरनल रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, R इक्वल्स टू ई माइनस V अपॉन V इंटू कैपिटल R। R क्या है, कैपिटल R क्या दर्शाता है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को दर्शाता है यानी लोड को दर्शाता है, स्मॉल R इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब बैटरी का जो रेसिस्टेंस है उसको दर्शाता है, EMF क्या है, किसी भी बैटरी के अंदर का वोल्टेज दर्शाता है जितना उसके अंदर डेवलप्ड हो सकता है, जितना उसने स्टोर कर रखा है। V क्या दर्शाता है, मतलब ये बैटरी है इसका 5 वोल्ट है, बैटरी के अंदर 5 वोल्ट EMF है, तो ये तो इसको दर्शा रहा है। अब इसने अपने तारों पे, जो तार होते हैं प्लस और माइनस के, उस पे वायर्स पे कितना दिया आगे, मान लीजिए 4.5 वोल्ट मिल रहा है, या कुछ ड्रॉप के कारण रेसिस्टेंस में लॉस हो जाता है ना, तो उस ड्रॉप के कारण 4.5 वोल्ट मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, वी यानी कि टर्मिनल वोल्टेज। अब मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे दोबारा से लिखवा देते हैं, ई क्या है, ई क्या है EMF, ई क्या है EMF, इंटरनल, इंटरनल वोल्टेज बोल सकते हैं इसको, इंटरनल वोल्टेज ऑफ सेल,
वी क्या है? टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। इसको किस नाम से जानते हैं हम? पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसको क्या नाम दिया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। स्मॉल आर क्या है? इंटरनल, इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी कि सेल के अंदर, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर का प्रतिरोध। और ये भी सेल के अंदर का ही वोल्टेज है ईएमएफ, ठीक है। आर क्या है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये आर क्या है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यानी कि लोड का रेसिस्टेंस, लोड का प्रतिरोध, लोड का रेसिस्टेंस। मतलब इन्हीं चीजों को, सभी चीजों को एक कलेक्शन करके एक फॉर्मूला बना दिया। क्या फॉर्मूला बना दिया? अब ये देखो, इन्हीं चीजों से मैं फॉर्मूला बना दूंगा। स्मॉल आर बराबर ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। भाई मैंने कुछ अलग तो नहीं लिया, जो कुछ उस सर्किट के अंदर था वही सब फॉर्मूले में लिख दिया, तो बन गया आपका फॉर्मूला। अब यहां से सारा कुछ स्टोरी पढ़ लिए, समझ में क्या आया? भाई देखिए, हम कभी भी जब स्टडी करते हैं तो हमें अपने लोड का प्रतिरोध तो पता ही है। मान लीजिए हमने बल्ब लगा रखा है, पंखा लगा रखा है, या फ्रिज लगा रखा है, जो भी लगा रखा है, मोबाइल का चार्ज लगा रखा है, उसका हमें वाटर पावर पता है फॉर्मूला लगा के, हम उसका रेसिस्टेंस तो जान सकते हैं, उसका तो जान सकते हैं। लेकिन कभी भी किसी बैटरी के अंदर का प्रतिरोध पूछे आपसे कोई, तो कैसे बताओगे? आपकी आंखों से तो देख नहीं पाओगे, कैलकुलेशन ही तो करना पड़ेगा बैटरी के अंदर का इंटरनल रेसिस्टेंस जानने के लिए। तो उसी रेसिस्टेंस को मेजरमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला बनाया। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ईएमएफ, वोल्टेज, इन सभी को रखिए और बैटरी के अंदर का प्रतिरोध जान लीजिए। इसी प्रतिरोध से पता चलता है कि आपकी जो बैटरी है, सेल है या जनरेटर है, कितना करंट डिलीवर कर पाएगा लोड पर। उसी से तो पता चलता है कि आपका बैटरा या बैटरी कितनी अच्छी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या? व्हीटस्टोन ब्रिज। ये खत्म होता है यहीं पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीट मतलब गेहूं की बात नहीं कर रहा मैं, ये एक ब्रिज है जो कि एक अंग्रेज ने दी थी, व्हीटस्टोन ब्रिज। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, इसका भी बता देते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर द रेसिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट और एनी कंडक्टर। किसी भी वायर में, बिजली के तार में, मतलब गांव में जो लाइन खींची हुई है उसका रेसिस्टेंस मापा जाए, या आपके घर की लाइन का रेसिस्टेंस नापा जाए, या किसी भी सर्किट का रेसिस्टेंस अगर नापना है तो कौन सा ब्रिज लगा सकते हो आप, उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब अभी तक आपको उसका रेसिस्टेंस नहीं पता है, अननोन रेसिस्टेंस है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सी ब्रिज का यूज करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब इसकी एक रेंज भी होती है कि कितनी रेंज तक मेजर कर पाती है। इसकी रेंज लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है, रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी रेंज होती है 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक ये मेजरमेंट कर पाती है। 1 किलो ओम से 100 किलो ओम तक, मैक्सिमम 100 किलो ओम होगा, 1000 ओम की बात कर रहा हूँ मैं, 100 किलो ओम, और मिनिमम 1 ओम। अब आप बोलेंगे कि सर अगर 1 ओम से नीचे रेसिस्टेंस हुआ, मान ली 0.5 ओम, तो उसको कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए दूसरे मेथड्स होते हैं, अलग नाम से होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना समझिए, अगर 1 ओम का रेसिस्टेंस है तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेजर करेगी। 1 ओम से अधिक है, 100 किलो ओम से तक है, तब भी व्हीटस्टोन ब्रिज यूज में आएगा। अब बात करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, तो इसके यूज पढ़े ना हमने, अब इसका मतलब पढ़ते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का। इसको रफ करिए, अब इसका मतलब पढ़ते हैं। एक इंग्लिश इंजीनियर था, साइंटिस्ट था, जिसका नाम था व्हीटस्टोन। उसने एक डिवाइस बनाया। डिवाइस क्या बनाया उसने? क्या लिए? दो फिक्स्ड रेसिस्टेंस लिए। भाई डिवाइस बनाया तो कुछ लगाया ही होगा। दो फिक्स्ड रेसिस्टेंस लिए उसने, एक उसने वेरिएबल रेसिस्टेंस लिया, वेरिएबल रेसिस्टेंस
वेरिएबल रेसिस्टेंस रियलिटी में होता क्या है, मैं आपको बता दूं, कभी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस कुछ नहीं होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका स्विच मतलब घुमाने पर उसका रेसिस्टेंस बढ़ा और घटा सकते हैं, ठीक है जी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा जब ऑटो ट्रांसफार्मर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक लिया उसने अननोन रेसिस्टेंस, अननोन। अब ये अननोन रेसिस्टेंस मेन पॉइंट है इसका, अननोन रेसिस्टेंस। अननोन रेसिस्टेंस क्या होता है, रियलिटी में कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है जिस चीज़ का। मान लीजिए इस तार का, ये बिजली गांव में लाइन खींची हुई है, इनका मुझे रेसिस्टेंस ज्ञात करना है तो इनके साथ कनेक्ट करूंगा तो ये हो गया मेरा क्या, अननोन रेसिस्टेंस। इसको बोल दूंगा मैं अननोन रेसिस्टेंस, और ये वाला फिक्स्ड रेसिस्टेंस मेरे ऑलरेडी लगे हुए हैं उस डिवाइस में, और ये वेरिएबल रेसिस्टेंस मैं बटन घुमाऊंगा उसका रेसिस्टेंस घटा बढ़ा के मेजरमेंट कर लूंगा, ज्ञात कर लूंगा कि कितना रेसिस्टेंस है अननोन रेसिस्टेंस। तो उसका जब फिगर बनाते हैं लैब में तो इस तरीके से एक तख्ता सा होता है और उस पर टच करके देखते हैं, और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चेक किया जाता है लैब्स में, इस तरीके से डिफ्लेक्शन चेक करते हैं। लेकिन उसका सर्किट जब पढ़ते हैं, आपने 12th क्लास में लैब में देखा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ ऐसा तख्ता सा होता है, लेकिन उसमें समझ कुछ नहीं आता है स्टूडेंट को। आज हम बताते हैं कि ये होता क्या है। इसका इस तरीके से एक सर्किट होता है, इस तरीके से, इस तरीके से। अब मैंने चार प्रतिरोध बताए ना, चार रेसिस्टेंस लगे हुए हैं इस ब्रिज में, तो ये क्या कहलाए, एक ब्रिज होगी ना, एक ब्रिज। तो इसमें इस वाली ब्रिज को नाम दिया P, इसको नाम दिया Q, इसको दिया R और इसका दिया X। हमेशा मैं इसको एक लॉजिक बता दूं, जब भी P होगा, P के जस्ट सामने क्या होगा Q, और P के जस्ट नीचे की तरफ होगा R, और R के सामने होगा X। कभी भी आप सीक्वेंस लिखोगे P Q R X का, तो इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे ऊपर P के जस्ट सामने, इन फ्रंट Q, और P के जस्ट नीचे की तरफ आएगा R। अगर आपने सीक्वेंस को इस तरीके से लिख दिया P Q R X, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। हमेशा ये सीक्वेंस राइट होता है, इसी से फॉर्मूला कैलकुलेट होता है, तो हमेशा ये सीक्वेंस लिखना है। मान लीजिए ये इस तरीके से ना हो के दूसरी ब्रिज बनाते हैं, जब ऐसी ब्रिज दूसरी बनाई हमने, तो उसमें क्या हुआ, ये पी क्यू यहाँ ना होके यहाँ पी आ गया इस बार यहाँ, तो आप क्यू कहाँ रखोगे मेरे भाई। तो पी के जस्ट सामने, मैंने बताया पी के जस्ट सामने क्या होता है, क्यू। तो पी के जस्ट सामने क्यू यहाँ आ जाएगा, और पी के जस्ट नीचे मैंने बताया आपको आर, तो इस बार आर यहाँ आ जाएगा और एक्स यहाँ आ जाएगा। हमेशा पी के जस्ट सामने क्यू रखो, चाहे जैसी सिचुएशन हो, चाहे पी नीचे आ जाए। अगर पी नीचे आ गए तो कैसे करोगे, पी क्यू और पी के जस्ट नीचे क्या आता है, आर, तो इस बार आर यहाँ आ जाएगा और एक्स यहाँ आ जाएगा। हमेशा सीक्वेंस को बनाने के लिए थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए। अब इसको क्या लिख देंगे हम, अब इसका फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला बनाना सीख लेते हैं। इसका भाई फॉर्मूला होता है, अब एग्जाम में हमें डिवाइस तो मिलता नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, हमें मिलता है एक फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे ज्ञात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट आर्म्स, मतलब अपोजिट आर्म्स मतलब आमने सामने की जो उसकी वो हैं रेसिस्टेंस, उनका प्रोडक्ट। कैसे करोगे अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट, वो अब आपको बता देते हैं। इस तरीके से एक ब्रिज बना लो, ब्रिज बना लिए, ये क्या कहलाएगी, एक ब्रिज। इस ब्रिज में ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एक्स है। हमें बोला है अपोजिट आर्म्स का प्रोडक्ट, तो हमेशा कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूले को, मैंने आपको बताया पी अपॉन क्यू इक्व टू आर अपॉन एक्स। सबसे पहले तो उसका सीक्वेंस लिखेंगे इस तरीके से, पी के जस्ट सामने क्यू होगा, फिगर बनाते टाइम की बता रहा हूँ, फिगर बनाओगे तो इस तरीके से, और पी के जस्ट नीचे क्या होगा R, और R के जस्ट सामने X, इस तरीके से सीक्वेंस होना चाहिए। जब फॉर्मूला बनाओगे तो फॉर्मूला बनाते टाइम P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन X, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन X याद रखिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें गुणा और इसकी इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा P गुणा X इक्वल टू, ये हो जाएगा P गुणा X इक्वल टू R गुणा Q।
हमें क्या ज्ञात है? अननोन रेसिस्टेंस। अननोन रेसिस्टेंस कौन सा है? यहाँ एक्स, ये क्या है हमारा अननोन रेसिस्टेंस। हमेशा एक्स जो होगा वो अननोन रेसिस्टेंस ही होगा, अननोन। ये आर क्या होगा? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होगा? आर। और ये क्या होंगे? फिक्स्ड रेसिस्टेंसेस। जरूरी नहीं है, फिक्स्ड का मतलब ये नहीं बोल रहा मैं कि ये भी 5 ओम और ये भी 5 ओम, ये 6 ओम, ये 5 हो सकता है, ये 8, ये 5, मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं फिक्स्ड, लेकिन इनकी वैल्यू घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती, जितनी लगाई है उतनी ही रहेगी, तब ये ब्रिज क्या कहलाएगी? बैलेंस्ड ब्रिज। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बना? एक्स इक्वल टू आर क्यू अपॉन, और यहाँ से क्या बचा? पी। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, फॉर्मूला ये एग्जाम में बहुत काम आएगा, तब भी आपको आपको कुछ नहीं दिया जाएगा एग्जाम में, आपको बोला जाएगा 4 रेसिस्टेंस है, 5 ओम का, 4 ओम का, वेरिएबल रेसिस्टेंस 2 ओम, अननोन रेसिस्टेंस, ज्ञात करिए व्हीटस्टोन ब्रिज लगा के। आप सबसे पहले पी क्यू पी लिखोगे, दूसरे वाले को क्यू बना लोगे, तीसरे वाले को क्या बना लोगे? आर, और एक्स की जगह खाली छोड़ दोगे, बस ये फॉर्मूला लगाओगे, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एक्स, इस तरीके से लिख दिए जाएंगे आपको। 2 ओम, 3 ओम वेरिएबल रेसिस्टेंस होगा आपका, कितना? 5 ओम, 1 होगा अननोन रेसिस्टेंस। सॉल्व करो व्हीटस्टोन ब्रिज से, कैसे करोगे? पी की जगह 2 लिख दोगे, अपॉन क्यू की जगह 3 लिख दोगे, बराबर आर की जगह 5 लिख दोगे, और एक्स की जगह एक्स लिख दोगे। क्या करोगे अब? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 2x बराबर ऐसे और ऐसे, और यहाँ से मल्टीप्लाई होकर आया 15, तो x बराबर क्या आ गया? 15/2। ऐसे होती है व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व। ये फॉर्मूले का यूज करना सीखिए, x इक्वल टू आर क्यू अपॉन पी। अब इसका एक पॉइंट और बता देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका यहाँ से? भाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं। वीके मेहता बुक पढ़िए, उसमें सब कुछ दे रखा है। जब भी कोई ब्रिज बनी हुई होती है, ये वाली ब्रिज, ये जो ब्रिज है इसमें एक गैल्वेनोमीटर और लगा होता है बीच में। क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किस काम आता है? गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन सर्किट। इस सर्किट में करंट को डिटेक्ट करने के लिए, या मेजर, डिटेक्ट मतलब मेजर, करंट को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। इससे हमें पता चलता है कि ब्रिज बैलेंस है या अनबैलेंस। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग ये ऐसे होता है, गैल्वेनोमीटर यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3। ऐसा नहीं है कि बढ़ते जाएं, इधर भी 1, इधर भी 2 और इधर भी 3, और यहाँ 1 होती है सुई सी। इसका डिफ्लेक्शन हमेशा क्या रहना चाहिए? 0। तो क्या कहलाएगी? ब्रिज बैलेंस्ड। ब्रिज बैलेंस कब होगी? जब इसका डिफ्लेक्शन 0 होगा। मान लीजिए सुई 1 पे आ जाए इधर या 1 पे आ जाए इधर, तो ब्रिज क्या हो जाएगी? अनबैलेंस्ड ब्रिज। एग्जाम में सिर्फ आपसे इतना पूछा जाएगा कि ब्रिज बैलेंस कब होगी? जब 0 डिफ्लेक्शन होगा, तो ब्रिज इज बैलेंस्ड। साथ में आपको कैलकुलेशन में वो फॉर्मूला पूछा जाएगा। फॉर्मूला कौन सा? एक्स इक्वल्स टू कौन सा वाला? पी क्यू आर एक्स। तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे? पी अपॉन क्यू इक्व टू आर अपॉन एक्स। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसे और ऐसे, तो ये हो जाएगा पी गुणा एक्स इंटू आर गुणा क्यू। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से? एक्स इक्व टू आर क्यू अपॉन पी। फॉर्मूला बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, चुटकियों में फॉर्मूला बना सकते हो, एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने आपको बोला था कि 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक के रेसिस्टेंस को मेजर किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज से। अब 1 ओम से छोटे और 100 किलो ओम से बड़े रेसिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए अब आपको टेबल लिखवाते हैं। अलग अलग तरीके के मेथड होते हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है ऐसे ही 8 से 10 मेथड और हैं, उनको मैं ना पढ़ा के शॉर्टकट तरीके से उनके नाम लिखवा देता हूँ, याद करके चले जाना एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा और टिक मार के आना, नंबर मिलेगा। ज़्यादा कथा पढ़ने में कोई फायदा नहीं है भाई, एग्जाम में SSC JEE का एग्जाम है, शॉर्टकट तरीके से पढ़ना है, ये कोई कॉलेज की थ्योरी तो है नहीं। तो अब टेबल बना लीजिए, श्रेणी बना लीजिए। पहली श्रेणी में मैंने रखे लो रेसिस्टेंस को पहली श्रेणी में रखूँगा मैं, दूसरी श्रेणी में रखूँगा मैं मीडियम को, मीडियम प्रतिरोध, मीडियम रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस हमेशा
तीन श्रेणी में ही रखे जाते हैं, और इसमें रखेंगे हाई रेसिस्टेंस मतलब लार्ज रेसिस्टेंस, इसको हाई रेसिस्टेंस। तो जो पहली श्रेणी है बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेणी हमेशा याद करके जाना एग्जाम में, जो पहली श्रेणी है उसमें 0 से लेकर 1 ओम तक के रेजिस्टेंस को रखा गया, मतलब 1 ओम से नीचे, बिलो देन 1 ओम और 1 ओम, मतलब या तो 1 ओम का हो या 1 ओम से नीचे के रेजिस्टेंस हो, तो उनको कौन सी श्रेणी में रखा गया, लो रेजिस्टेंस। और मीडियम रेजिस्टेंस किसको बोला गया, 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक के रेसिस्टेंस को किस में रखा गया, मीडियम श्रेणी में, जिसमें मैंने अभी एक एग्जांपल आपको करा के हटा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज का। और जो तीसरी श्रेणी है उसको बोलते हैं हाई रेसिस्टेंसेस, उसमें ग्रेटर देन 100 किलो ओम, अगर 100 किलो ओम से बड़ा रेसिस्टेंस है ग्रेटर देन 100 किलो ओम, तो उसका कौन सी श्रेणी में रखा गया, कौन सी मत टेबल में रखेंगे, हाई रेसिस्टेंस। आपको ऐसे याद रखना, हाई रेसिस्टेंस कौन से होते हैं, ग्रेटर देन 100 ओम, मीडियम रेसिस्टेंस कौन से होते हैं, 1 ओम टू 100 किलो ओम, लो रेसिस्टेंस कौन से होते हैं, 1 ओम एंड बिलो देन 1 ओम इज द लो रेसिस्टेंसेस। अब इनके नाम होते हैं, कुछ मेथड यूज किए जाते हैं, किस श्रेणी में कौन सा मेथड यूज किया जाता है। इसके अंदर सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है क्या, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, इसको यूज कर सकते हो आप। दूसरा जो नाम है वो है केल्विन डबल ब्रिज, ये भी एक मेथड है। तीसरा नाम क्या है, पोटेंशियो मीटर मेथड। आपको ज़्यादा थ्योरी और इसका डिवाइस का बारे में कुछ नहीं जानना है, सिर्फ आपको इतना जानना है अगर 1 ओम से नीचे या 1 ओम का रेसिस्टेंस है तो कौन से मेथड से मेजरमेंट हो सकता है। एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेगा, द रेसिस्टेंस बिलो देन 1 ओम इज मेजर्ड बाय, 4 ऑप्शन दे देगा, पहला डिफ्लेक्शन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वोल्ट एमीटर मेथड, और ये 3 में से कोई एक नाम दे देगा, तो आपको टिक लगा के आना। किस किस से कर सकते हो, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड लगा के, या केल्विन डबल ब्रिज लगा दो, या पोटेंशियो मीटर मेथड लगा दो। तो ये वाली सीरीज खत्म लो रेसिस्टेंस की। अब बात आती है मीडियम रेसिस्टेंस की, तो मीडियम रेसिस्टेंस में भी सबसे पहला मेथड क्या है, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। इसका क्या है, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड, इसका भी पहला क्या है, एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। दूसरा क्या है इसका, पहला तो ये हो गया, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप चाहेंगे तो इन सभी मेथड्स पे अलग से एक एक वीडियो बना दिया जाएगा, 10-12 वीडियो बनेंगी, बड़े बड़े मेथड हैं, तो इनको शॉर्टकट में मैं करा रहा हूँ। और तीसरा है व्हीटस्टोन, भाई इसका तो मैं करा के हटाऊँ, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी एक मेथड है। और चौथा है इसका ओम एमीटर मीटर मेथड, मतलब एग्जाम में पूछा आएगा द रेसिस्टेंसेस 1 ओम टू 100 किलो ओम इज मेजर्ड बाय विच मेथड, एग्जाम में दे देगा वोल्ट एमीटर मेथड, केल्विन डबल ब्रिज मेथड, और क्या दे देगा आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इस तरीके से कुछ दे देगा। तो आपको ये 4 नाम याद होने चाहिए, कोई सा एक नाम करेक्ट होगा। एमीटर वोल्ट मीटर मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड लगा सकते हैं, या ओम मीटर मेथड। मीडियम रेसिस्टेंस के लिए 4 मेथड, मीडियम रेसिस्टेंस के लिए 4 हैं, लो रेसिस्टेंस के लिए 3 मेथड मैंने बताए आपको, जबकि हाई रेसिस्टेंस के लिए मैं लिखवाता हूँ डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। ये सबसे पहला मेथड क्या है, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, जबकि हाई रेसिस्टेंस क्या है, ग्रेटर देन या तो 100 किलो ओम का हो या उससे ज़्यादा। कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा कि 100 किलो ओम का अगर कोई प्रतिरोध है तो उसको कैसे मेजर करोगे, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड लगा सकता हूँ ना मैं। तो नेक्स्ट है उसका लॉस ऑफ चार्ज मेथड,
इसके मेथड हैं लॉस ऑफ चार्ज मेथड, और तीसरा है इसका मैगर। मैगर बहुत ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिकल में, सिर्फ आपको मैगर बताया जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बताया जाएगा, बाकी कोई नहीं बताया जाएगा। और जब SSC JEE का UPSC JEE का एग्ज़ाम देंगे फिस हो जाएंगे और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये कुछ नहीं बताया जाता है हमारी बुक्स में, चाहे BTEC हो चाहे आपका पॉलिटेक्निक की बुक्स हो, ये कुछ नहीं बताया जाता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। लो रेसिस्टेंस जब भी ज्ञात करेंगे तो तीन नाम है, एमीटर, वोल्टमीटर मेथड, ये वाला मेथड लगा सकते हो। लो रेसिस्टेंस कितना होता है, 0 से लेकर 1 ओम तक का रेसिस्टेंस क्या होता है, लो रेसिस्टेंस श्रेणी में रखा जाता है। मान लीजिए कोई 0.5 ओम है तो वो क्या आएगा, लो रेसिस्टेंस। 1 ओम है तो भी लो रेसिस्टेंस, ठीक है जी, 1 से कम या 1 तक। दूसरा मेथड है केल्विन, तीसरा है पोटेंशियोमीटर मेथड। अब बात करते हैं मीडियम रेसिस्टेंस की, तो अगर 1 ओम का रेसिस्टेंस है तो मीडियम रेसिस्टेंस की श्रेणी में रख सकते हैं उसको। अगर ऑप्शन का ऑप्शन बेस देख लेना, कभी कभी लो रेसिस्टेंस 1 ओम के लिए इसमें से भी तो मैच करेगा ना, तो ऑप्शन बेस दिया हुआ होगा आप मैच करके, ऐसा नहीं है कि दोनों ऑप्शन दे दिया कोई एक देगा, ठीक। इसके लिए 4 मेथड है, पहले का नाम है एमीटर वोल्टमीटर मेथड, दूसरे का सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरे का क्या व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड जो अभी आपको डिटेल में बताया है, तीसरा है ओम मीटर मेथड। हाई रेसिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए तीन मेथड दिए हैं, पहले का नाम है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, दूसरे का लॉस ऑफ चार्ज, और चौथे का मैगर। मैगर बहुत ज़्यादा यूज होता है, मैगर कहाँ यूज होगा, हाई रेसिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए। हाई रेसिस्टेंस कौन से होते हैं, जहाँ 100 किलो ओम से ज़्यादा रेसिस्टेंस मेजर करना होगा वहाँ मैगर का यूज़ किया जाएगा। अब मैगर की थोड़ा डिटेल पढ़ ले लेना, वो सब बता दिया जाएगा कि कहाँ ओपन सर्किट होगा, कहाँ क्लोज सर्किट शो करेगा। सिर्फ मुझे बताना था कि रेसिस्टेंस का मेजरमेंट कौन कौन से मेथड से सॉल्व या मेजरमेंट किया जा सकता है। ये क्या है, रेसिस्टेंस मेजरमेंट, MEASURE मेजरमेंट मेथड्स, रेसिस्टेंस मेजरमेंट मेथड्स, रेसिस्टेंस का जो मेजरमेंट है इन मेथड से मेजर किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर